पुलिस की ओर से नई तरह की पहल की गई है। जो युवक नशा करते थे या नशे के आदि हो चुके थे उनका पता लगाया गया और उनको इलाज के लिए नशा छुड़ाओ केंद्रों में भेजा गया, जहां इलाज के बाद अब युवक दोबारा अपनी जिंदगी में वापस लौट आए हैं। युवकों के अभिभावक इसके लिए पुलिस का धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं नशा छोड़ने वाले युवक पुलिस की इस पहल को एक अच्छी पहल बता रहे हैं। पठानकोट पुलिस की ओर से नशे के आदि युवकों को ढूंढने, उनके काउंसलिंग करने और नशा छुड़ाव केंद्रों में इलाज करवाकर उन्हें बेहतर जिंदगी जीने के लिए एक बड़ी पहल की जा रही है। इसी कड़ी के तहत पठानकोट पुलिस द्वारा उन युवकों का पता लगाया जा रहा है जो किसी तरह नशे के आदि हो चुके हैं और किसी प्रकार नशा लेते हैं। इनमें से ज़्यादातर युवक चिट्टे के आदि हैं। पुलिस द्वारा इन सभी युवकों को ढूंढा जा रहा है और इनकी काउंसलिंग करके इनके अभिभावकों के साथ बातचीत करके नशा छुड़ाव केंद्रों में इलाज करवाया जा रहा है ताकि नशे के आदि युवक अपनी बेहतर जिंदगी जी सके। नशे के आदि युवकों का कहना है कि पुलिस की ये अच्छी पहल है, उनकी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पुलिस द्वारा उनका नशा छुड़ाव केंद्रों में इलाज करवाया जा रहा है और अब स्वस्थ होकर वो अपनी बेहतर जिंदगी जीने लगे हैं। वहीं एसएसपी पठानकोट का कहना है कि जब नशे के 22 बड़े तस्करों को पकड़ा गया तो ये पता लगाया गया कि उनसे नशा पठानकोट में कौन खरीदता है और कौन वो युवक है जो नशे के आदि हो चुके हैं। इसी कड़ी में उन युवकों का पता लगाया गया जो नशा लेने के आदि थे। उन सभी को ढूंढकर उनकी काउंसलिंग की गई और नशा छुड़ाव केंद्रों में उनका इलाज करवाया गया ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर जी सके। न्यूज क्राइम 24 के साथ पठानकोट से कंवल रंधावा की रिपोर्ट। चार पाँच साल तो करते पे जी ये चिट्टे का जी टीके टूके लाते रहे हैं जी। अपने पंजाब पुलिस वाले जी अभी एस एच ओ साहब जी उन्होंने इंफोरेशन की, उन्होंने आगे मदद की तो ओ एस टी सेंटर सू दाखिल करा के बहुत वधिया तरीके ट्रीटमेंट चल रहा है। अभी दवाई खा रहे हैं, चार पाँच महीने तो जो नशा है वो बिल्कुल बंद है, दवाई खा रहे हैं। पंजाब पुलिस वाले की मेहरबानी, धन्यवाद। फैमिली वाले पहले तो यही गल हैगी महाराज कहते हैगा तो नहीं है, एक बराबरी है जी। चलो हूँ यह है कि साड़ी मदद की है पंजाब पुलिस ने, तो घर के वधिया सर्कल हो गया सारा जी, सब घर के वधिया है हूँ। ये सर मेरा ब्रदर है छोटा, तो नशे के कारण डेली मतलब घर च डिस्प्यूट लड़ाई झगड़ा करता रहता सी। लास्ट टू मंथ एस एच ओ साहब अपने डिवीजन नंबर 2 दे साड़ी वार्ड च इन्होंने विजिट किया, तो इन्होंने नशे बारे कहा कि अगर कोई करता तो साढ़े कॉन्टैक्ट करो। फिर आप इन्होंने टाइअप किया, इन्होंने सानू नवचेतन होस्पिटल डी डी सेंटर इन्हू भेजा छोटे ब्रदर नू, ते इन्हू हो गए 2-3 महीने हो गए दवाई खाते, ते हुण बिल्कुल जिहड़ा नशा मुक्त हैगा। ते मैं ते मेरा परिवार पूरा खुशहाल आ इन्हू वेख के भी, चलो हुण अपनी वधिया जिंदगी जी रहा। ते मैं ते मेरी पूरी फैमिली पठानकोट पुलिस का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि नहीं तो सारे चिट्टा वगैरह पींदा सी, ते आपां बहुत ज़्यादा दुखी सी, ना ये कोई काम करता सी ना कोई काज करता सी, ते बस ये वाल ही देखते रहिंदे भी ये की करन दे अपनी लाइफ जिहड़ी आ स्पॉइल करन दे। बिल्कुल काम कूम कर रहा अपना, तो नशा वगैरह तो काफ़ी दूर है। तो अपने बस यही है भी पंजाब पुलिस जी साढ़े वास्ते रब का रूप बनी है, कि जिन्होंने साडा जो बच्चे की लाइफ जी सिक्योर की है। तो मैं सारे यही कहना चाहना कि नशा एक जहर है जोड़ा तो बिल्कुल लाइफ जी स्पॉइल कर रहा है, तो प्लीज़ इस तो दूर रहो। पिछले 6 महीनों के 22 वे मगरमच्छ, मैं व्डे मगरमच्छ इस करके वर्ड यूज़ कर रहा भी वो पीओ ने जिन्हों के उपर एक एक दे उपर 5-5, 7-7 मुकदमे दर्ज आ नशे दे, और मुकदमे भी क्वंटलों के हिसाब न दर्ज आ। किसी कोई 5 किलो हैरोइन का भगौड़ा सी, कोई 2 ट्रक भुक्की दा ही फड़े सी उहदा भगौड़ा सी, और उत्थों बैठ के उन्हें नवे अपने उन्होंने मोडूल तैयार करके नशे दे सप्लाई कर रहे सीगे। 22 असी बंदे फड़े, उन्हां फड़न दे नाल साडी जिहड़ी इह वाली चेन सीगी, जिहड़ा साडा रूट सीगा पठानकोट वाला, वह सप्लाई चेन टुट गई।
मैं बड़ी खुशी ना दस रहा भी वो सप्लाई चेन तोड़न दे विच ये बाई बंदियां दी अरेस्ट का बड़ा वड्डा रोल है। एक कई स्टेटां दे विच नशा भेजदे सीगे वो बंदे अरेस्ट करन दे नाल सप्लाई चेन जिहड़ी आ पंजाब स्टेट नूं भी आउंदी साडा ट्रांजिट रूट सीगा साडे ज़्यादा नशा सप्लाई कर रहे सीगे वो खत्म किया। नैक्सट लैवल ते असीं गए मतलब कि गौरमेंट की जिहड़ी मंशा इंटेंशन सीगी ये नहीं सीगी भी हाँ भी असीं जिहड़ा नशा फड़ के वाह वाह लैणी आ, इंटेंशन ये सी भी नशा खत्म किदां करना। इन्हां बंदियां दे ना जिहड़ा अपना उस तो अगला चैप्टर इनवैसटीगेशन का शुरू किया भी अगे इन्हां दे जिहड़े गाहक किहड़े हैगे इन्हां को नशा लैंदे कौन और बच्चे यंग एज दे बच्चे छोटे छोटे उमरां दे बच्चे जिहड़े इन्हां नूं अडिक्ट हो चुके सी असीं उन्हां तक पहुँच कीती लिस्टां बणियां भी कित्थे कित्थे सी उन्हां को रिकवरीज़ तां नहीं होईयां बट उन्हां ने साडे सामने कबूल किया भी असी एडिक्शन हो गई है सानू असी इस बीमारी का शिकार हो गए। एज़ पर गवर्नमेंट पॉलिसी असी उन्होंने नाल जिहड़ा हैगा काउंसलिंग की उन्होंने पेरेंट्स नू बुलाया गया उन्होंने पेरेंट्स नाल काउंसलिंग की और असी उन्होंने प्रिपेयर किया। सब तो औखा काम इस गल का सी इहदे विच साडे अफसर ने बहुत अच्छा काम किया है बई जदों तुसी किसे नू नशे वाले नू कहो भी तू नशा करदा आ वो कबूल करदा वो सामने नहीं आना चाहुंदा उनू एक सोशल स्टिगमा हुंदा भी उनू लगदा भी मैं बदनाम हो जाऊंगा। असी उनू पूरी प्राइवेसी दित्ती डॉक्टर्स ना अड गल कीती डॉक्टर्स नू प्रिपेयर किया भी इन्हां दी प्राइवेसी रहनी चाहीदी है बट असी इन्हां दा इलाज जरूर करवाउणा उन्होंने पेरेंट्स नू प्रिपेयर किया। तिन्नां नू प्रिपेयर करन तों बाद असी उन्हां दी डीएडिक्शन करवाई बच्चे जिहड़े हैगे आ दो दो महीने तीन तीन महीने चार चार महीने की कोर्स करन तों बाद बिल्कुल तंदुरुस्त ठीक हो गए उन्होंने नवी अपनी जिहड़ा अपनी जीवन शुरू किया। और इस कुर्सी पर बैठ के मैं तुहानूं दस रहा भी इहदे नाल एक बड़ी जॉब सैटिस्फैक्शन का भी एहसास होया। और इस यूट्यूब चैनल को सबसक्राइब करें।